पीछे पीछे। ओ फिनिश कर गया देख। एक और है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। फाइनली यार PUBG मोबाइल का न्यू इवेंट आ चुका है। इवेंट तो काफी मस्त बनाए लोगों ने, बट यार ज़ॉम्बीज कुछ एक्स्ट्रा ही डाल दिया। अगर ये ज़ॉम्बीज थोड़े कम होते ना तो और भी ज्यादा मजा आता, क्योंकि यार ये फाइट में काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। खैर बंदे इधर काफी ज्यादा उतर जाते हैं एंड गन वगैरह मुझे नहीं मिलती। सामने मेरे एक बंदा होता है, इसको मैं मोलोटोव करके जलाता हूँ, बट ये बंदा यहाँ पे नॉक नहीं होता, बच जाता है। इधर मैं अपने टीममेट से उजी ले लेता हूँ एंड जल्दी से उजी को रिलोड करते हैं। एक बंदे को मैं डाउन करता हूं, साथ इसका पीछे से दूसरा टीममेट आता है। ओके, इसको भी यहां पे मैं आराम से डाउन कर देता हूं एंड लगा तो फिनिश भी करा देता हूं। एंड अब बारी अपने टीममेट को रिवाइव कर। ओके भाई इसके काम चेक करो, शुक्र है यहाँ पे यार मेरी HP थी। मेरे साथ तो ऐसे भी हो चुका है कि इधर मैं 1 HP बेचता हूँ एंड मैं ज़ॉम्बी से मर जाता हूँ। खैर वो क्लिप्स मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। खैर इधर मैं जैसे इस बंदे का डब्बा लूट करता हूँ, साथ ही लेफ्ट साइड से दो और बंदे पुश करा देते हैं। एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ, दूसरा बंदा सामने TPP ले रहा है। इस बंदे पर नेड करने की ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। ओके, ये बंदा भी यहाँ पे मोलोटोव कराता है। एक बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है एंड दूसरा बंदा काफी लो होता है। हेलो भाई फॉलन स्टार, इसका डब्बा लूट लो भाई। भाई फॉलन स्टार के पास गन नहीं होती एंड वो सीधा उन बंदों के अंदर घुस जाता है एंड उसको ये डब्बा नजर ही नहीं आता। खैर यहाँ पे दो बंदे बचते हैं एंड अब यहाँ पे 1v2 का सीन है। इन बंदों की HP काफ़ी कम होती है, एक ही उजी के स्प्रे में दोनों बंदे डाउन हो जाते हैं। खैर इन बंदों को मारने के बाद मैं आगे की साइड पे आता हूँ एंड इस इवेंट पे सिर्फ एक ही बंदा बचता है। इस बंदे को भी यहाँ पे मैं आराम से नॉक करता हूँ एंड लगा तो फिनिश भी करा देता हूँ। इसी के साथ मेरा मार का इवेंट होता है क्लियर। एक दफ़ा फिर से चलते हैं हार्ड ड्रॉप पे एंड इस दफ़ा हार्ड ड्रॉप होने वाला है लिविक में। लिविक, मेरा मार एंड इरेंगल तीनों के इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, छोटे छोटे चेंजेस हैं इनमें। खैर मुझे इधर उतरते ही DP मिल जाती है, एक बंदे को यहाँ पे मैं डाउन करता हूँ एंड दूसरा बंदा यहाँ पे बच के निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से लूट करते हैं। सामने की साइड पे एक और बंदा होता है। इस बंदे को यहाँ पे मैं आराम से डाउन करता हूँ एंड लगा तो फिनिश भी करा देता हूँ। एंड गाइस वीडियो कर दो लाइक, अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक वीडियो को लाजमी किया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट गेम प्ले बनाने की। सही बताऊँ ना तो जब लाइक गेम कंप्लीट नहीं ना होता तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ एंड जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो एक दो दिन में गेम ही ऑन नहीं करता। इसलिए यार वीडियो को लाजमी से लाइक किया करो ताकि यार मोटिवेशन मिले नेक्स्ट गेम प्ले बनाने के लिए एंड मैं आप लोगों के लिए रोज के रोज गेम प्ले अपलोड किया करूँ। कहते हैं हमारे गेम प्ले की तरफ, सामने की साइड पे एक बंदा होता है। इस बंदे को यहाँ पे मैं DP से थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। अब ये बंदा यहाँ पे डैमेज होता है तो मैं आराम से इस पे पुश कर सकता था, बट इस बंदे के पास होती है शॉटगन तो थोड़ा सा रिस्की सीन होता है, इसलिए इस बंदे पे यहाँ पे मैं मोलोटोव कराता हूँ एंड ये बंदा यहाँ पे मोलोटोव से आराम से नॉक हो जाता है। इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करते हैं। हाँ भाई पहले तुम लोग आ जाओ पहले। ओके, इस बंदे को यहाँ पे मैं आराम से फिनिश करता हूँ। आगे की साइड पे चलते हैं, सामने दो टीम्स आपस में फाइट ले रही है, एक मोलोटोव करने की ट्राई करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी सीन होने वाला है। दो बंदे मैं डाउन करता हूँ, तीसरा बंदा इनका पीछे की साइड पे है। जल्दी से मैं अपने आपको किट मारता हूँ एंड किट भी यहाँ पे मेरी आराम से लग जाएगी।
इतना अच्छा सीन चल रहा था एंड साथ ही पीछे की साइड से एक बंदा आ जाता है एंड सारी फाइट का सीन खराब कर देता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास रिकॉल पड़ा हुआ होता है, भाई इन बंदों से मरे या ना मरे सबसे पहले हम लोग इस बंदे से अपना रिवेंज लेंगे। अभी तक ये बंदा इधर ही टीपीपी ले रहा होता है। खैर सीन खराब करने पर इस बंदे को यहाँ पे थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं एंड इसके बाद जो टीम होती है ना हमारे सामने, ये बंदे यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं एंड अब ये बंदे यहाँ पे पुश करने वाले हैं। इधर ये तीन बंदे होते हैं बट जो बंदा लेफ्ट साइड से पुश कर रहा होता है ना उसको पीछे से एक और टीम यहाँ पे मार देती है। खैर अब सिर्फ वही टीम बचती है इवेंट पे, तो चलो यार इनको भी निपटाते हैं जल्दी से। बाय 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 बाय, अंदर पूरी की पूरी टीम यहाँ पे फीडिंग लगा के बैठी हुई है। खैर कोई बात नहीं, इधर आप लोग देखो इनको किस तरह से मैं ट्रिक करके मारने वाला हूँ। दोनों साइड फीडिंग लगते हुए समझे। रुक मैं आगे। उधर से देख ऊपर। अरे हाँ ये गाइस, इसी के साथ लिवी का इवेंट भी होता है क्लियर एंड आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस दफ़ा इवेंट तीन मैप्स में आए तो आप लोग कौन सा मैप सबसे ज़्यादा खेल रहे हो। कह रहे हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट गेम प्ले की तरफ। इस गेम में हम लोग सिर्फ हॉट ड्रॉप ही क्लियर नहीं करेंगे बल्कि इस गेम को हम लोग एंड तक ले के चलेंगे। खैर आप लोग इधर चेक करना कि भाई इधर मेरा मोबाइल कितना लैग कर रहा है। लो एंड डिवाइस वालों के लिए तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है इस इवेंट पे सर्वाइव करना क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। खैर आप में से अगर किसी बंदे के पास आईफोन 11 है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि और रिकॉर्डिंग क्या उस बंदे का भी मोबाइल लैग कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि यार जब से कल का इवेंट आया है ना, जब से मैंने गेम को अपडेट किया है तब से मेरा मोबाइल तो काफ़ी लैग कर रहा है। खैर आते हमारे गेम प्ले की तरफ। इधर मैं जल्दी से अपनी M249 को रीलोड करता हूँ। सामने की साइड में बंदे होते हैं, इस बंदे को यहाँ पे मैं आराम से डाउन करता हूँ एंड लगे तो फिनिश भी करा देता हूँ। जैसे ही मैं इसका डब्बा लूट रहा होता हूँ सामने एक बंदा आता है, भाई फ्री का किल। ओके मैं भी खुश हो रहा था, ये मेरे टीममेट का किल होता है। खैर इसके बाद मैं बाहर की साइड पे आता हूँ, सामने मेरे एक बंदा होता है। इधर मैं इसको आराम से डाउन कर देता हूँ, टीममेट इसका सामने टीपीपी ले रहा होता है तो इसको भी यहाँ पे मैं आराम से डाउन कर देता हूँ। तो इधर आपके भाई को दो और किल्स मिल जाते हैं एंड आपके भाई के यहाँ पे किल्स हो जाते हैं चार। इसके बाद हम लोग आगे की साइड पे आते हैं, दो टीम्स आपस में सामने फाइट ले रही है तो इंतजार किस बात का, चलो यार सीधा थर्ड पार्टी करते हैं। दो किल्स इधर से भी मैं आराम से निकाल लेता हूँ एंड मस्त मक्कन लूट मैं कर ही रहा हूँ कि इनका पीछे से तीसरा टीममेट आता है एंड मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉक फिनिश कर देता है। खैर कोई बात नहीं, इस बंदे को भी यहाँ पे देखते हैं। इस बंदे को इधर मैं नॉक फिनिश करता हूँ एंड इसके बाद मैं जल्दी से अपने आपको हील अप करता हूँ। सामने की साइड पे मुझे एक बंदा नजर आता है, इस बंदे को यहाँ पे मैं आराम से डाउन करूंगा एंड फिनिश भी करा दूंगा। इसी के साथ मेरे किल्स हो जाते हैं आठ। इसके बाद मैं आगे की साइड पे आता हूँ एंड अभी आप लोग चेक करो इधर ऊपर मैप में मुझे चार बंदे शो होते हैं एंड मुझे लगता है कि यार यहाँ पे 1v3 का सीन है। अब तीन बंदे हैं तो मुझे इनके लिए प्रॉपर क्लच की सिचुएशन बनानी पड़ेगी। सामने मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको पहले नेट से डाउन कर दूँ। एक नेट करने की ट्राई करते हैं बट ये नेट हवा में ही फट जाता है। खैर कोई बात नहीं, इधर मेरे पास मोलोटॉव भी होता है तो एक मोलोटॉव भी करा देता हूँ। अब ये बंदे यहाँ पे क्लोज इन कर रहे होते हैं एंड मुझे एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए जिधर मैं इनके ऊपर क्लच कर सकूँ। भाई ये बंदा भी यहाँ पे ऊपर आने की ट्राई कर रहा होता है। खैर इस बंदे को मैं डाउन करता हूँ, सामने इसका टीममेट इसको रिवाइव कर रहा है तो चलो यार पुश करते हैं इन पे।
दो बंदे मैं डाउन करता हूँ एंड आप लोगों ने सुना होगा फुटस्टेप आ रहे हैं जैसे छत की साइड पे इनका तीसरा टीममेट हो। इस बंदे के साथ मैं काफी ध्यान से फाइट लेता हूँ, पहले मैं इस बंदे पे मोलोटोव करने की ट्राई करता हूँ। लास्ट मोमेंट तक मुझे यही लग रहा था कि यार 1v3 का सीन है एंड ये कोई रियल प्लेयर है एंड ये देखो भाई एक बोर्ड होता है एंड सही इसने मुझे ड्रा के रखा होता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे 11 किल्स हो जाते हैं। इसके बाद मैं पूछेंगी मैं आता हूँ सामने की साइड पे दो टीम्स आपस में फाइट ले रही होती है, तो चलो यार इंतजार किस बात का, सीधा थर्ड पार्टी करते हैं। दो बंदे मैं डाउन करता हूँ, पीछे की साइड से मुझे स्कारल पड़ती है एंड मेरी 40 HP तकरीबन वो बंदा यहाँ पे खा जाता है, जिसकी वजह से ये 1v3 भी मेरा मिस हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, बाकी के बंदों के यहाँ पे मुझे किल मिल जाते हैं। इधर मेरे पास रिकॉल पड़ा होता है, सीधा मैं रिकॉल होता हूँ एंड सीधा मैं उसी बंदे पे आता हूँ जिसने मुझे पीछे से थर्ड पार्टी करके लो किया था। ये बंदा बिल्कुल मेरे ऊपर होता है, अब आप में से काफी लोगों के माइंड में ये भी आया होगा कि भाई 3-3 हॉट ड्रॉप डाल दिया, पूरा गेम प्ले क्यों नहीं डाला। तो भाई जब तक न्यू सीजन नहीं ना आता तब तक भाई सिर्फ हॉट ड्रॉप ही गेम है, उसके बाद आपको ऐसे एनिमीज देखने को मिलेंगे। खैर इसके बाद मैं आगे की साइड पे आता हूँ, सामने वाले घर में दो टीम्स आपस में लड़ रही होती हैं। एक नेड करता हूँ, कोई बंदा डाउन नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, एक दोबारा से नेड करने की ट्राई करते हैं। एक बंदा यहाँ पे डाउन होता है, तो चलो यार बगैर रुके बगैर टुके सीधा इन बंदों पे पुश करते हैं। हाँ ये गाइस DBS जिंदाबाद एंड आप लोग देखो आपके भाई के यहाँ पे 16 किल्स हो चुके हैं एंड ऊपर बैठते हैं सिर्फ 9 बंदे। सामने की साइड पे एक बंदा होता है एंड मैं स्मोक्स वगैरह करता हूँ, बट ये बंदा यहाँ पे मेरे पे पुश करा देता है। भाई 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 इधर मेरे पास वेस्ट नहीं होती एंड इस बंदे की एक दो ही AKM की गोलियां लगती हैं एंड मैं पहुंच जाता हूँ सीधा लॉबी। खैर अगर मैं इस बंदे को मार भी देता तो मैं शायद लीव ही कर देता, क्योंकि यार अभी आप लोग देखो इतना बड़ा सर्कल पड़ा हुआ है एंड सर्कल में सिर्फ 6 बंदे पड़े हुए हैं। तो जब तक यार न्यू सीजन नहीं आता तब तक आपकी फाइट सिर्फ इवेंट पे ही होती है, इवेंट के बाहर आपको बंदे नहीं मिलते। तो बस यार आगे वीडियो में सिर्फ इतनी, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल भी पहले तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में, तब तक अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, दो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।